अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिलाई के हवाले से कुछ टिप्स। तो टिप्स नंबर वन ये है कि आपने गुम सिलाई के साथ पाइपिंग को कैसे लगाना है। आपने 2 इंच का कपड़ा लिया है, जहाँ पे भी आप पाइपिंग कर रहे हैं 2 इंच का मैंने ये कपड़ा लिया है। कपड़े को दोनों तरफ से मैंने एक एक पाँव के हिसाब से इसको इस्त्री कर लिया इस तरह से। जिस भी कपड़े पर आप पाइपिंग लगा रहे हैं उस पर आप पहले एक सिलाई लगाएं। ये जब आप एक पाँव की इस्त्री करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपकी सिलाई भी सीधी लगेगी। ये हमारी मतलब एक सिलाई लग चुकी है। अब इसको आपने जब इस तरह फोल्ड करना होता है तो इस पे अब आपने गुम सिलाई किस तरह से लगानी है। पहले तो हम इसकी कर लेते हैं अच्छी तरह से इस्त्री, जो आपने इस कपड़े को इस तरह खोल के इसकी इस्त्री करनी है। इस्त्री करते वक्त आपने नीचे वाले कपड़ों को खोलना है और इसकी इस्त्री ऐसे खींच के फिर आपको करनी है। अब जब आपने सिलाई लगानी है तो आपकी सुई इन सिलाइयों के बीच में से गुजरनी चाहिए। और आपने ये करना है कि जब आप आगे आगे सिलाई लगाते जाएंगे तो आपने कपड़े को ऐसे साथ साथ खींचते जाना है। फोल्ड करने के बाद देखें, जब मैंने इसके ऊपर अगेन इस्त्री की है तो इसकी बिल्कुल नीटनेस आ गई और ऐसा लग रहा है कि ये सिलाई वही है जो जॉइंट वाली सिलाई होती है। इस तरह आपकी पाइपिंग होगी नीट और नीचे से आप देखेंगे इसको बस तरपाई कर लें। ये सिलाई का मकसद ये है कि आपकी पाइपिंग हमेशा इसी तरह से रहे, वॉश करने के बाद भी इसका साइज़ ख़राब ना हो। अच्छा जी, टिप नंबर 2, 1x1 का मैंने ये कपड़ा लिया है, जैसे एक बॉक्स का कट करते हैं उसको आपने ऐसे करना है, फिर उसको आपने इस तरह से करना है। जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमारी यहाँ से ये शर्ट फट जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, चौक फट जाते हैं, वो ये काम ज़रूर कर लें, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि अब आपने यहाँ पे ये रखना है, अगर तो आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो पाइपिंग के साथ ही ये चीज़ मैनेज हो जाएगी। अगर आप 2 सिलाइयाँ लगा रहे हैं तो 2 सिलाइयों के साथ ही ये चीज़ मैनेज हो जाएगी। धागा मैंने यूज़ किया है डिफरेंट कलर का, आपने तो सेम ही यूज़ करना है। इस तरह से ये अंदर से पक्का हो जाएगा, आपका सूट फट जाएगा लेकिन ये जगह आपकी कभी नहीं फटेगी। आपने इस तरह से इसको अगर डबल सिलाई है तो मैनेज करना है, पाइपिंग के साथ भी आप इसको अंदर रख के मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो टिप नंबर 3 आती है, बहुत ज़रूरी, ये वैसे सारी ही बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, आपने सिलाई में इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। बाजू लगा कि जो दरमियान वाली सिलाई है उसके बाद आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बहुत सारे मतलब आप ये भी काम कर सकती हैं कि इसको इस तरह से करके, इस तरह से करके आप तरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन ये एक आपके लिए अलग से काम है। आप जब बाजू की सिलाइयाँ लगा रही हैं, बाजू कंप्लीट कर रही हैं, आप साथ ही इसको रखें इस तरह से और इसको रखें इस तरह और ये यहाँ से आपस में इसको जोड़ें और इसके ऊपर लगा दें आप सिलाई। यही तरीका अगर आपका डिज़ाइन वाला पांचा है तो आपने उसमें भी ट्राउज़र के पांचे पे भी आपने यही अप्लाई करना है, बाजू के आगे भी आपने यही अप्लाई करना है। ये देखें, जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगी तो आपके ड्रेस में वैसे ही बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी। ये सिलाई बहुत ज़रूरी है, इससे आपके सूट पे बहुत सफाई आती है। जब आप सूट पहनते हैं तो आप ये देखें कि जब आपकी ये स्लीव यहाँ आप बाजू पे पहनेंगे तो आगे मोहरी से आप यहाँ से नीटनेस इसकी चेक करें ये किस तरह से आएगी। वो अक्सर यहाँ से धागे वाला कपड़ा नज़र आ रहा होता है ना आपका, वो नहीं आएगा। ओवरलॉक करवाने के बाद भी आपकी ओवरलॉक वाली जगह यहाँ से नज़र नहीं आएगी। इसलिए ये कुछ टिप्स हैं, आप इनको याद कर लें। अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।